हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे एनवीआर के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा और जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में जो भी टूल यूज होते हैं, तो हम आपको इसके जो पहले वाले हमारा जो वीडियो डाला हुआ था उसमें हम आपको कुछ डिटेल्स बताए थे और फिर इस वीडियो में बताएंगे, तो आपको सारे पार्ट वन पार्ट टू करके अलग अलग क्लासेस के वीडियो मिलता ही रहेगा। अगर आप पूरा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगले वीडियो में हम बता चुके हैं डीवीआर के बारे में कंप्लीट डिटेल, आप कौन से कनेक्टर का क्या यूज होता है, कितने चैनल का डीवीआर आता है, क्या क्या चीजें यूज होगा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और जाकर के उसको देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनवीआर के बारे में पूरे डिटेल्स में आपको मिलने वाले कि एनवीआर को कैसे आप पता कर सकते हैं कि कितने चैनल का है नहीं है, कैसे ये सारी चीजें आप जान सकते हैं, कितने टाइप के एनवीआर आते हैं, पीओई स्विच क्या होता है, उसका क्या यूज है, एनवीआर का क्या यूज है, तो ये सारी चीज आपको इसमें मिलने वाला है। तो जो हमारे एनवीआर आता है वो अलग अलग ब्रांड के आते हैं। जो एनवीआर का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, और एनवीआर में हम आईपी कैमरा को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं वीडियो सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड करने के लिए। अब जो हमारा एनवीआर आता है वो अलग अलग चैनल के आते हैं, 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 64 चैनल, 128 चैनल और भी इसी टाइप के बहुत सारे चैनल से आते हैं। अगर आप एनवीआर को देखेंगे तो कुछ इस टाइप से फ्रंट व्यू दिखता है, फ्रंट में आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, यहाँ पे एक यूएसबी है। बाकी जब इसके आप बैक साइड में जब आप देखते हैं तो आपको बैक साइड में कुछ अलग तरीके का आपको देखने को मिलता है। एक बार हम आप इसको दिखाते हैं तो एनवीआर में हमारा यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट दिख रहा है, बाकी जब इसके बैक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक डीसी कनेक्टर दिखेगा जिससे हम एनवीआर को पावर देंगे और ये चलेगा। बाकी उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक RJ45 का कनेक्टर दिखेगा, इथरनेट कनेक्टर, जहां से हम RJ45 कनेक्टर को लगाते हैं, और यहाँ पे सिंपली एक ही आपको दिखेगा, बाकी एक यहाँ पे VGA पोर्ट है और एक यहाँ पे ऑडियो इन है और ऑडियो आउट है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक HDMI और एक USB पोर्ट यहाँ पे है, तो इतने सारे पोर्ट आपको मिलता है। अब इस NVR को अगर आप देखें तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये कितने चैनल का NVR है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इथरनेट का जो पोर्ट है वो एक ही पोर्ट है, तो आप इसे देख करके और नहीं बता सकते हैं कि ये कितने चैनल का है। तो इसको कैसे आप जानेंगे, इसके सीरियल नंबर से आप पता कर सकते हैं। और बाकी हमारे पास एक और एनवीआर है, तो यहाँ पे देखिए एक और एनवीआर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे यूएसबी कनेक्टर है और एक HDMI कनेक्टर है, एक ऑडियो इन है और ऑडियो आउट है, और एक यहाँ पे VGA कनेक्टर है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे इथरनेट पोर्ट दिखेगा, बाकी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और 4, 8 कनेक्टर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे वीडियो के लिए कनेक्ट करेंगे। तो ये जो कनेक्टर होता है आप इसको देख करके और बता सकते हैं कि ये कितने चैनल का हमारा एनवीआर है। लेकिन ये जो एनवीआर होता है वो पीओई एनवीआर होता है, मतलब पावर ऑन इथरनेट, तो इसमें आपको पीओई स्विच लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है और एक मेरिट भी है, अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको स्विच लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको जितने भी कैमरा इंस्टॉल करेंगे उसके सारे के वायर, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक कैमरा लगाएं, एक दूसरा, तीसरा और एक चौथा, तो ये सारे का वायर हमारा एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, फिर से हम 4 और लगाते हैं, 1, 2, 3 और 1, 4, तो एक का वायर इसमें आएगा, एक का इसमें आएगा और यहाँ यहाँ पे आएगा। तो जितना हमारे जिस तरह DVR में सारे वायर को लाना होता है उसी टाइप से आपको यहाँ पे सारे वायर को लाना होगा, लेकिन वही इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ही कनेक्टर मिलता है। इसके लिए हम यूज करेंगे पीओई स्विच का, जो पीओई स्विच क्या करेगा, अलग अलग कैमरा को पीओई स्विच में कनेक्ट करेंगे और पीओई स्विच को लेकर के वहां से एक वायर को लाएंगे और NVR में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये पीओई स्विच है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो यही सारे है, ये जो 4 है वही है, तो हम क्या करेंगे इस पीओई स्विच को यहीं पे कर लगा देंगे, इस टाइप से पीओई स्विच को लगाएंगे,
और हम अलग अलग कनेक्टर को यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा चार हो गया और यहाँ पे आपको चार और बना लेते हैं। आप देखिए हमारा यहाँ पे हम एक पीओई स्विच को बना लिए हैं। ये हमारा पीओई स्विच है। नीचे भी यहाँ पे आपको पीओई स्विच दिखता कैसे है, तो इस टाइप से आपको दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चैनल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और एक आठवां, और दो आपको अपलिंक मिलता है जिससे आप राउटर को और जो हमारे एक और भी स्विच होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल जाएंगे। अब अगर हमको यहाँ पे जब कैमरे को लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक कैमरा को लाएंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे, दूसरे कैमरे को इससे कनेक्ट कर देंगे, तीसरे को यहाँ पे और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ, ये सारे को यहाँ पे हम स्विच से कनेक्ट कर दिए। स्विच को हम लोग वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे आपको देखना होता है कि जहाँ ज़्यादा हमारा कैमरा लगा है और वायरिंग करने का कम ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे हम एक पीओई स्विच को लगा देंगे। अब पीओई स्विच हमारा यहाँ पे लग गया, इसमें आपको एक अपलिंक मिलता है, तो जो भी अपलिंक रहेगा हम एक बार अपलिंक को भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमारा मान लेते हैं ये अपलिंक है, ये दो जो है वो अपलिंक है। अपलिंक से क्या करेंगे, एक को लाएंगे और अपलिंक से अपलिंक में कनेक्ट कर देंगे। आपको यहां से लाना है और ये सीधा अपलिंक से लाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये स्विच का हम यूज अभी नहीं कर रहे हैं, तो अपलिंक से ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे जो एनवी आ रहा है वहां पे कितने वायर आया, तो सिंपली एक ही वायर आया, बाकी जितने भी वायर था वो सारा हमारा जो पीओई स्विच था उसमें हमारे कैमरा से उसमें कनेक्ट हो गया। सेम उसी तरह से एक बार हम यहाँ पे पीओई स्विच में हम कनेक्शन देख लेते हैं, तो उसमें भी हम आपको एक बार करा के दिखाते हैं। अब देखिए ये जो पीओई स्विच है, जहाँ पे चार कैमरा, मान लेते हैं कि हम जो जहाँ पे भी कैमरा लगाने के लिए गए वो तीन फ्लोर का बिल्डिंग है, तो हम एक फ्लोर में क्या करेंगे, एक पीओई स्विच को लगाएंगे, दूसरे में दूसरा पीओई स्विच लगाएंगे और तीसरे में तीसरा पीओई स्विच लगाएंगे। अब ये इस पीओई स्विच से क्या करना होता है, आपके जो भी कैमरा रहेगा उस कैमरा को आप लाएंगे और यहाँ से ला करके और इसमें कनेक्ट कर देंगे, फिर दूसरे को लाएंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे, फिर तीसरे को लाएंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे। इसमें कनेक्शन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे पावर देना होता है, तो इसको पावर दे देंगे। पावर देने के बाद इसे हम एक कनेक्शन को लाएंगे और एनवीआर में जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमारा कैमरा एनवीआर से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास तीन फ्लोर है, तो एक जो हमारे पास यहाँ पे अपलिंक बचा है वहाँ से लाएंगे और एक दूसरे हम यहाँ पे एक पीओई स्विच लेंगे सेम, और जो भी पीओई स्विच होगा उसमें हम कैमरा से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अलग अलग कैमरा को लाएंगे और यहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे सेम, और एक हम और यहाँ पे बना देते हैं। अब इसको, इसके जो अपलिंक होता है उससे हम इसके अपलिंक में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से जितने भी पीओई स्विच होगा उसको हम लोग अपलिंक से कनेक्ट करते ही जाते हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कैमरा का कनेक्शन करना होता है। और जब आप एनवीआर में इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपके जो एनवीआर होता है वहाँ पे एक सिंगल वायर ही लाना होता है। जब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारा जो एनवीआर होता है वो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप पीओई एनवीआर को लेते हैं तो आपको सारे वायर को लाना ही होगा। अब अगर आप पीओई एनवीआर लेते हैं तो आपको सारे वायर कैमरा से यहाँ पे ला करके और कनेक्ट कराना होगा। वही अगर आप नॉर्मल एनवीआर को लेते हैं, जो पीओई नहीं होता है उसको लेते हैं, तो उसके लिए आपको पीओई स्विच का यूज करना होगा और उससे हम कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास है ये पीओई स्विच है और ये हमारे पास 8 पोर्ट का पीओई स्विच है और दो इसमें आप लिंक मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं और एनबीआर के बारे में कंप्लीट डिटेल मिला होगा। तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि और भी जो हमारे कंपोनेंट होते हैं जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में यूज होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एसएमटीसी धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।